हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही खस्ता और कुरकुरे नमक पारे की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए फिर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ली है और इसमें हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया है और थोड़ा क्रश करके हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम मोइन लगाएंगे, तो मोइन के लिए हम रिफाइंड या देसी घी का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी लिया है, लगभग 60 ग्राम देसी घी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छे से सब मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैदा में इस तरह की बाइंडिंग आने लग जाए तो इसका मतलब मैदा में मोइन बिल्कुल सही लगा है। अगर बाइंडिंग नहीं आ रही है तो आप थोड़ा घी और ऐड कर सकते हैं। बस अब हम आटा नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का गर्म पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम आटा नीट करेंगे। अगर आपने मोइन के लिए रिफाइंड यूज किया है तो आप पानी ठंडा ही यूज कर सकते हैं। नमक पारे के लिए हमें यहाँ टाइट डो लगाकर रेडी करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, डो बिल्कुल टाइट लगा लिया है हमने। बस अब डो को 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर हम डो को कवर कर देंगे सेट होने के लिए। तो 20 मिनट के बाद डो बिल्कुल सेट हो गया है। हाथों से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम आटे का थोड़ा पोर्शन लेंगे और थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और चपाती से थोड़ा बड़ा बेलेंगे और थोड़ा मोटा बेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चपाती की थिकनेस कितनी रखी है। अब हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दवाई की बॉटल की लेट ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से यहाँ पे काजू शेप में कट कर रही हूँ। तो आप भी चाहें तो किसी भी बॉटल की लेट से काजू शेप में ईजिली कट कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से हम सभी नमक पारे कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और चपाती को बेल लिया है और कुछ नमक पारे हम स्टार शेप में बनाएंगे। तो ये बेबी टॉय है यहाँ मेरे पास, जो क्ले के साथ आता है। तो अगर आपके पास भी क्ले टॉय है तो आप भी कोई भी शेप दे सकते हैं नमक पारे को। तो यहाँ मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं सभी नमक पारे। अब हम रिफाइंड में फ्राई करेंगे नमक पारे। तो यहाँ पहले एक नमक पारा ऑयल में चेक करके देखेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और कुछ नमक पारे हम ऑयल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर नमक पारों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी नमक पारे फ्राई करके रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है नमक पारों पर। बस अब हम ये रिमूव कर लेंगे ऑयल से और जो बचे हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खस्ता और कितने कुरकुरे बने हैं। सो फ्रेंड्स टू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ इट गोज टू यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।